व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है रौनक पॉल एंड आप देख रहे हो एथिकल हैकिंग कोर्स वो भी अपना लैंग्वेज हिंदी में। गाइस आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कोई भी WEP एन्क्रिप्टेड नेटवर्क कनेक्शन अगर बिजी नहीं है तो उसको हम किस तरह से अटैक करके हैक कर सकते हैं। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पिछले वीडियो में हम जाने थे कि कोई भी WEP एन्क्रिप्टेड नेटवर्क कनेक्शन अगर बिजी है तो उसको हम बहुत ही इजी वे से हम उसको हैक कर सकते हैं। बट गाइस अगर हमारे पास प्रॉब्लम ये आता है कि WEP एन्क्रिप्टेड नेटवर्क कनेक्शन बिजी नहीं है तो हम उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस WEP एन्क्रिप्टेड नेटवर्क कनेक्शन जब बिजी नहीं होगा तब हमारे पास प्रॉब्लम यही होगा कि उस टाइम हम लोगों को काफ़ी सारा टाइम वेट करना पड़ेगा कि बहुत सारा IV को एक साथ कलेक्ट करने के लिए। तो गाइस इनफ IP कलेक्ट करने के लिए हमको इस केस में बहुत टाइम की ज़रूरत होगा एंड बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तो गाइस इसमें एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन यही है कि हमको उस नेटवर्क को फोर्स करना पड़ेगा ज़्यादा IVs को जेनरेट करने के लिए। इसका मतलब जो राउटर है उसको फोर्स करेंगे हम कि वो ज़्यादा IVs को जेनरेट करे। तो गाइस इसमें भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है। गाइस ये प्रॉब्लम ही है कि राउटर जो है वो ओनली कनेक्टेड डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। मतलब उस राउटर के साथ जो जो डिवाइस कनेक्टेड है वो सिर्फ और सिर्फ उसी डिवाइस के साथ ही कनेक्ट या कम्युनिकेट करता है। तो गाइस हम कैसे राउटर को फोर्स कर सकते हैं। तो गाइस इसका भी एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन यही है गाइस कि हम उस राउटर के साथ तो कनेक्टेड नहीं है, हमको तो उस राउटर को कोई भी पासवर्ड पता नहीं है, बट हम उस राउटर के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। बट गाइस एसोसिएट क्या होता है। गाइस एसोसिएट यही होता है कि हम या कोई भी हैकर राउटर को बोल सकते हैं कि हम आप जो हो आप मेरे को इग्नोर मत कीजिए, आपके साथ मैं कनेक्ट एंड कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो गाइस एसोसिएट के मतलब यही होता है आप मेरे को इग्नोर मत कीजिए, मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो गाइस हम उसके साथ तो कनेक्टेड नहीं होते फिर भी हम उसको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे को आप इग्नोर मत कीजिए, मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो गाइस इसके लिए हम एक अटैक परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है फेक ऑथेंटिकेशन अटैक। तो गाइस अभी हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि फेक ऑथेंटिकेशन अटैक क्या होता है।